हम अभी यहाँ जरमाट पहुँचे हैं ग्लेशियर एक्सप्रेस से एंड दिस इज अ कार फ्री जोन. तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही अलाउड है. अगर कोई अपनी रेंटल गाड़ी से आता है या बस से आता है, फिर वहाँ से आप इलेक्ट्रिक कार लेके फिर आप जरमाट आइए. यहाँ पे एयर कंडीशनिंग भी अलाउड नहीं है, इट्स एन एयर कंडीशनिंग फ्री जोन एंड सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रीन सिटी. द टेम्परेचर अभी करीब 17 डिग्री है सेल्सियस एंड रात को करीब 3 या 4 डिग्री होने की बात है. दिख रहा है आपको यहाँ का छोटा सा टाउन है. ये हमारी गाड़ी आई है होटल ओमनी से, ये बंदा भी लोड कर रहा है और हम होटल की तरफ जाएंगे. Zermatt is actually located on the westernmost side Switzerland ke. It's a canton called Valais and ye kafi renowned hai mountain resort, renowned hai for skiing, mountain climbing aur hiking ke liye. Shehar hai kareeb takriban 1600 meter ke elevation pe hai and it from here you can see the pyramid shaped Matterhorn. Inki main street hai Bahnhof Strasse and इसमें काफ़ी boutique shops हैं, hotels हैं, restaurants हैं and it's a very lively ski resort as well as the ski scene is very very impressive here. हम लोग जब पहुँचे at the entrance of the Omnia Hotel, it was quite an impressive entrance to the Omnia Hotel. आपको अगर याद हो तो टोब्लरोन कैंडी और जो चॉकलेट बार आती हैं वो भी मैटरहॉर्न बना हुआ है उसके ऊपर. इट्स अ स्विस कैंडी एंड उसके रैपर पे आप देखेंगे मैटरहॉर्न पीक है जो कि प्रीटी मच यहीं की है सिग्नेचर फॉर द जरमैट रीजन. होटल में चेक इन के बाद वी वेंट फॉर अ लिटिल जकूजी एज वेल एज अ हॉट टब एंड अ स्विमिंग पूल सेशन. वहाँ पे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वी वर रियली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड आफ्टर द ग्लेशियर एक्सप्रेस राइड. The next day after breakfast, the breakfast was fantastic at the Omnia. After the breakfast, we ended up going to the neighboring town, in the sense that we went more towards the city center. That's the city map, and this is for whole of Zermatt. ये जरमाट का राउंड टाउन है. विलेज में हम लोग अभी जा रहे हैं गोर्निग्राफ्ट की तरफ. वी टेक द ट्रेन. इट्स नो एयर कंडीशनिंग एंड नो गैसोलीन व्हीकल. यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो आप देख रहे हैं. टैक्सीज हैं इलेक्ट्रिक और बाइसाइकल्स हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी क्लीन सिटी. बहुत खुली हवा है एंड वेरी नाइस वेदर हियर आल्सो. ये ऑरेंज में जो देख रहे हैं ये ट्रेन आई है गोर्निग्राफ्ट से, तो वापस जा रही है गोर्निग्राफ्ट पे. डिपार्चर है यहाँ पे 10:48 AM. सो वी आर अ लिटिल अर्ली बट इसके बाद हम चलेंगे. हम अभी ट्रेन में हैं, जा रहे हैं गोर्निग्राफ्ट एंड साइड में देखिए छोटे छोटे शैलेज हैं, होटल्स हैं. सर वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन की फील आ रही है पूरी. इस स्टेशन आएगा एक्चुअली लॉट ऑफ माउंटेन रिसॉर्ट्स ऑन. देखिए किस साइड पे जा रहे हैं हम लोग, नीचे में होटल्स और शैलेज हैं. या 3100 मीटर की हाइट पे 3190 विच इज़ अ समिट कॉल गोर्निग्राफ्ट. सो वहाँ के
Zermatt ke train station ke opposite corner grot rail line hai. It's a cog train wahan se chalti hai, and it's a cog wheel train which takes you to Gorne Grot. Raste mein, and it's a beautiful view from Gorne Grot also. हम अब मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज के स्टेशन पे आए हैं. लुक एट द फ्लो ऑफ द रिवर, ट्रेमेंडस फ्लो. हम यहाँ से गोंडोला राइड लेंगे, विल गेट द टिकट्स एंड वी विल हेड अप टू द मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज. एक्सप्रेस का गोंडोला राइड ले रहे हैं. आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू गोंडोलास जा रहे हैं, कुछ ऊपर और कुछ वापस आने वाले नीचे आ रहे हैं. एंड दिस मैटरहॉर्न एक्सप्रेस हमें लेके जा रही है टूवर्ड्स द मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज विच इज द हाईएस्ट पॉइंट दैट द गोंडोला विल गो टू. उसके ऊपर भी कुछ लोग जाना चाहते हैं, वो अपने स्कीज वगैरह लेके जाए एंड देन दे कैन ट्रैक ऑल द वे टू द वेरी पीक ऑफ द मैटरहॉर्न माउंटेन. इट्स अ ब्यूटिफुल राइड. एक दो स्टेशन चेंज भी करने पड़ते हैं और बीच में ऑडी का एक वेरी नाइस क्वाट्रो बार भी है बीच में. एंड वी वर एबल टू गो एंड टच द स्नो एज वेल एज द आइस दैट वॉज देयर ऑन टॉप ऑफ द मैटरहॉर्न. मैटरहॉर्न माउंटेन है, इट्स अबाउट 4000 मीटर के हाइट के ऊपर है. Play with the snow? Play with the snow? हम ग्लेशियर पैलेस की तरफ जा रहे हैं. अब यहाँ देखेंगे जो टनल बना है वो भी आइस का बना हुआ है. So everything is frozen here. All of this is ice. जो हमने कार्व करके टनल बनाया है. Gondola rides बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ हाई winds, नॉट सो मच एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर और अ रिजल्ट ऑफ क्लाउड्स. विंड में gondolas काफ़ी स्विंग करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट दे डू शट डाउन द gondolas बिकॉज ऑफ द हाई winds. माउंटेन एंड इट सर्टनली वॉज अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव व्यू. वहाँ से वापस आते समय हम लोग मैटरहॉर्न से नीचे आए एंड देन टूवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट हम लोग उतर गए अपने गोंडोला राइड से. गोंडोला राइड से उतर के भी स्टॉप दैट अ स्मॉल टाउन कॉल्ड फूरी. इट्स लाइक अ स्मॉल हैमलेट बोल लीजिए या छोटा सा विलेज है. वहाँ से वी टुक अबाउट एन आवर
हाइकिंग ट्रिप, हम लोग हाइक करते हुए नीचे की तरफ आए टूवर्ड्स जरमैट एंड रीच्ड आवर होटल। हम सुबह आज जरमैट से चले हैं, चेक आउट ऑफ द ओमनिया होटल एंड वी टुक द इलेक्ट्रिक टैक्सी टू द स्टेशन एंड बान बोलते हैं बी एच एन करके जर्मन का वर्ड है विच मीन्स ट्रेन, तो हमने वहाँ से लिया जरमैट बान से ट्रेन ली। इट्स अबाउट अ 12 मिनट ड्राइव एंड बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग यहाँ पे कुछ ट्रैक्स वगैरह में कुछ डैमेज आ गया है, सो वी हैव टू टेक द ट्रेन को क्रैश TSCH और वहाँ से अब हम बस में बैठे हैं। बस से हम जाएंगे विस्क, वैसे ही ट्रेन से डायरेक्टली जा सकते थे विस्क बट बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द ट्रैक्स हम वहीं नहीं जा पा रहे हैं। सो वी एंजॉय द बस जर्नी ऑल्सो विच वॉज अनप्लान्ड, इट्स अ फन नाइस अच्छी सी बस है, साफ सुथरी है एंड वहाँ पे पे हम लोग फिर ट्रेन लेंगे वो बेसमेंट्स एंड सीट से फिर से ट्रेन चेंज करके वी विल एंड अप एंटर बैक इन ईस्ट। सो हाँ अभी विस्प पहुँचे हैं, अभी बस से उतरे हैं, ये हमारी बस है, इस बस से भी उतरे एंड नाउ वी आर पिक्ड अप आवर लगेज फ्रॉम द बस एंड वी आर हेडेड टू द स्टेशन। छोटा सा वॉकिंग का स्ट्रेच है